वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल लव विलर्न ईमेल। पिछले की वीडियो में मैंने बच्चों आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को बहुत छोटे तरीके से, बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक था जिससे आपने सीखा था कि कैसे लर्न कर सकते हैं उसको। आपने उसे लाइक किया, ठीक है, कमेंट्स भी करे, थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। आज मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़, छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ जिसको बहुत आसानी से कर सकते हो, जो कि किसी गूगल में किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा ये चीज़, आई गारंटी यू। ठीक है बच्चों, इसमें है क्या, आप जैसे देख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये है क्या एक्चुअली। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों कौन सा मेटल दूसरे मेटल से कितना रिएक्टिव है। कैसे पता करोगे आप कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इस मेटल का है ना बच्चों एक सीरीज़ बना पड़ा जो सबसे टॉप पे रहता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे जैसे उस सीरीज से नीचे जाते रहते हो, उस लेटर से नीचे जाते रहते हो, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती रहती है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मेटल टॉप पे आएगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक और छोटा सा निमोनिक, एक और छोटा सा ट्रिक जिससे आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। और वो चीज़ पता है क्या है, आपके सबसे फेवरेट गेम पबजी से रिलेटेड है, ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करिए, आई होप आपको इसे समझ पसंद आया आएगा आपको शायद, ठीक है, आना भी चाहिए बच्चों। आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को किस तरीके से लर्न करते हैं, बाय यूजिंग अवर फेवरेट गेम पबजी, उससे रिलेटेबल है बच्चों। तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है। कोई नई कार मंगवाओ, मंगवाओ, कोई नई कार मंगवाओ। भैया देखो, एक सिचुएशन लेके चलनी है पबजी में हमारे, कि आपका एक न्यू प्लेयर था जो मर गया है और आपकी कार ब्लास्ट हो गई है, आप चार दोस्त हो, ठीक है। तो आप किसी एक दोस्त को कहते हो कि भैया एक नई कार लेके आओ क्योंकि वो ब्लास्ट हो चुकी है, तो कार ढूंढो, बोलते हो बहुत बार आप। तो कोई नई कार मंगवाओ, ठीक है, किससे? एक फ्रेंड है आपका आलू से, भाई कोई नई कार मंगवाओ आलू से, कोई नई कार मंगवाओ आलू से। अब कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि आपका एक प्लेयर, ठीक है, मर चुका है, तो उसकी क्या बचानी है, जान बचानी है, रिवाइव करना वगैरह, जान, मैं ZN से लिख रहा हूं जान, ठीक है, जान फिर से ध्यान सुनना, जान फिर से क्या करनी है, जान फिर से सुन। आप अपने दोस्त को बोलते हो भाई जान फिर से सुन, बचानी है, बचानी, देखो ध्यान सुनना, कोई नई कार मंगवाओ, कोई नई कार मंगवाओ क्योंकि कार आपकी ब्लास्ट हो चुकी है, तो कोई नई कार मंगवाओ किससे, कोई दोस्त है आपका आलू से, जान फिर से सुन बचानी है, जान फिर से सुन। आप उसको बोलते हो भैया जान फिर से बचानी है, क्योंकि नूबड़ा है, बार बार मर जा रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको रिवाइव करोगे। जान फिर से सुन बचानी कहां है, पबजी में है, जान फिर से सुन बचानी पबजी में है, ठीक है। आप उसे बताते हो भाई कि कोई नई कार मंगवाओ आलू से, जान फिर से सुन बचानी पबजी में है, पबजी में फिर से उस नूबड़े की जान बचानी है आपको। फिर आप कहता है, आप कहते हो लास्ट में, कौन हारेगा आगे, कौन हारेगा आगे। भाई अब आपके पास क्वेश्चन है, क्योंकि नूबड़े की वजह से आप बार बार मर रहे हो, तो कौन हारेगा आगे। और अब आपको पता है स्टेजेस होते हैं पबजी में, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कौन हारेगा आगे और प्लैटिनम पे जाएगा, कहां जाएगा, प्लैटिनम पे, कौन हारेगा आगे और प्लैटिनम पे जाएगा, प्लैटिनम पे जाएगा बच्चों। तो ये इसका यूज नहीं है, बस ये ब्रैकेट में लिख देना ताकि आपका निमोनिक पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको मजा आए सुन के। ध्यान से सुनना बच्चों, अब इसी निमोनिक से आपको सिंबल और उसके एलिमेंट बचाने। तो पहले निमोनिक को एक बार याद कर लेते हैं वापस, कोई नई कार सिचुएशन याद रखना, भैया आप पबजी में चार गए प्लेयर, ठीक है, चार प्लेयर गए, उसमें से नूबड़ा जो है कहीं दूर चला गया आपसे, आपकी कार इधर ब्लास्ट हो गई, वो उधर मर गया, ठीक है, दोबारा मर गया। तो आप अपने तीन दोस्त में से कहते हो भैया कि जाओ कोई नई कार मंगवाओ आलू से, आलू को बोलो कि भैया नई कार लेके आए, कोई नई कार मंगवाओ आलू से, जान फिर से सुन बचानी पबजी में है, पबजी में फिर से उस नूबड़े की जान बचानी है, कौन हारेगा आगे,
अब हमें नहीं पता भैया कौन हारेगा आगे और प्लेटिनम पे जाएगा, तो पे जाएगा बच्चों, आपको यूज नहीं करना। तो अब इन निमोनिक से हम सिंबल कैसे निकालते हैं, सेम इसी निमोनिक में सिंबल छुपे हैं जो किसी भी आपको यूट्यूब गूगल पे नहीं मिलने वाला। इसी सिंबल में आपके इसी निमोनिक में क्या छुपे है, सिंबल। अब सिंबल देखो बच्चों, के एन ए पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, सी ए एम जी कैपिटल स्मॉल, ए एल जेड एन एफ ई, ठीक है बच्चों, एस एन, देखो कितना आसान है सच में, पी बी एच सी यू एच, क्या है हारेगा तो एच जी ले लेना बच्चों, आगे ए जी ले लेना, ठीक है, और क्या दिख रहा है, ए यू, ए यू ले लेना फिर, और पी टी प्लैटिनम, ठीक है, पी टी प्लैटिनम ले लिया आपने। अब इन्हीं में देखो, अब इसी सिंबल से आपको क्या बनाना है, एलिमेंट के नाम लिखने। तो देखो एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं, के से आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम, ठीक है, एन ए से सोडियम, सी ए से कैल्शियम, एम जी से मैग्नीशियम, ए एल से एल्यूमिनियम, जेड एन से जिंक है ना, एफ ई से आयरन, एस एन से बच्चों टिन होता है, ध्यान रखना एस एन से क्या होगा आपका टिन, एस एन से टिन होगा, पी बी से लेड, ठीक है, और एच से हाइड्रोजन, सी यू से कॉपर, एच जी से मर्क्यूरी, और ए जी से सिल्वर, ए यू से गोल्ड, और पी टी से प्लैटिनम लिखा ही हुआ है, ये तो लिखा ही हुआ प्लैटिनम है ना छोटा छुपट। एक बार निमोनिक वापस याद कर लेते हैं, पबजी से रिलेटेड बच्चे आपको पता ही है यार, पबजी में एक बार जब घुस जाते हो तो आप बहुत चीज़ें भूल जाते हो, स्टूडेंट आज के टाइम पे पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर देते हैं पबजी से, इतना ज़्यादा माँ बाप परेशान है, हर कोई परेशान है पबजी से, लेकिन ठीक है यार बच्चे हैं तो अपनी अपनी प्रायोरिटी है इसमें। तो उसी पबजी से रिलेटेड मैंने बनाया ताकि आपको बोर ना लगे। तो निमोनिक क्या था बच्चों, कोई नई कार मंगवाओ आलू से, कोई नई कार मंगवाओ आलू से, जान फिर से सुन बचानी, जान फिर से सुन बचानी, पबजी में है, पबजी में है, कौन हारेगा आगे, कौन हारेगा आगे और प्लैटिनम पे जाएगा भैया। तो यहाँ पे आपके के से हो गया पोटेशियम, एन ए से सोडियम, सी ए से कैल्शियम, एम जी से मैग्नीशियम, ए एल से एल्यूमिनियम, जेड एन से जिंक, एफ ई से आयरन, एस एन से टिन, पी बी से लेड हो गया, एच से हाइड्रोजन, सी यू से कॉपर, एच जी से मर्क्यूरी, ए जी से आपका सिल्वर, और ए यू से गोल्ड, और पी टी से प्लैटिनम। दैट्स इट बच्चों, बहुत आसान था ना, है ना आसान। तो बच्चों अगर पसंद आया हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अपना ध्यान रखना और सुरक्षित जरूर रहना, ठीक है बच्चों, बाय।